आज बालाजी दर्शन खुल गए, आप देख सकते बारिश हो रही है, बहुत ट्रैफिक, कितनी भीड़ है यार। अभी हम पहुंच गए पूरी लाइन में, आप देख सकते हैं आपने सरकार है चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बालाजी में कितनी बारिश हो रही है, नए साल पे हम आए हैं और यहाँ पर गाड़ी हमारी आगे आ गई है और पूरी तरीके से अभी यहाँ जाम हो गया है। ये बालाजी की एंट्री है, बारिश हो रही है बहुत तेज और मैं अभी बालाजी में हूँ। आप देख सकते हैं बालाजी मंदिर बहुत तेज, यहाँ बारिश थी और ये राम मंदिर मेरे बिल्कुल रेड साइड में है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो आपके साथ मैं शेयर जरूर करूँगा वीडियो। और बालाजी महाराज में अब काम चालू है, चमक रहा है लाइट में, बहुत बढ़िया राम मंदिर के दर्शन खुल गए, आप देख सकते हैं। जय श्री बालाजी महाराज की जय, जय हो बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम मंदिर के दर्शन कर लीजिए भक्तों। और इधर है बालाजी महाराज, और ये बालाजी का जो पूरा काम हो रहा है आप देख सकते हैं। अभी नए साल पे हम लोगों ने दर्शन किए बालाजी महाराज के, भक्तों कितनी भीड़ है यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, बोलो जय श्री राम, मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए जहाँ से बालाजी महाराज के मंदिर में हम एंट्री करेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। ये राम मंदिर है लेफ्ट में, देख सकते हैं आप कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है। और अभी हमारे बालाजी महाराज का भी मंदिर पूरी तरीके से बनाया जा रहा है, काम चालू है इस मंदिर में यार। अभी हम पहुँच गए पूरी लाइन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह सुबह बहुत ठंड है, बारिश हो रही थी, जैकेट भी लिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, बालाजी महाराज की जय। आप देख सकते हैं बालाजी महाराज की एंट्री है, इससे ज़्यादा मैं दर्शन नहीं करा सकता आपको क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना मना है पूरी तरीके से। जय बालाजी महाराज और राम मंदिर, जय बालाजी महाराज की जय। तो अभी हम पहुँचेंगे बालाजी महाराज के दर्शन कर रही है और हम आगे पेटरा सरकार है, पेटरा सरकार आप देख सकते हैं, जय हो पेटरा सरकार की, आपको दर्शन कराए दीवान सरकार के हैं, ये दीवान सरकार है कि हमने दर्शन कर लिए हैं अब, और अब हम फाइनली मंदिर से बाहर जाते हैं। तो यार अब बालाजी महाराज के बिल्कुल हम बैक साइड पे आ गए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी तरीके से पहाड़ को तोड़ दिया गया है, ये काफ़ी बड़ी जगह यहाँ कर दी गई है, काफ़ी चेंजेस मेरे को नज़र आए हैं इतने साल से हम लोग आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा बालाजी के दर्शन करके। यहाँ पे बालाजी महाराज के बाहर आप देखें कितने सारे मंकी हैं, और सर के ऊपर आ गए मेरे बहुत सारे मंकी, समाधि वाले बाबा हैं ये, हम आ गए हैं, इनके दर्शन भी करने बहुत ज़रूरी होते हैं, मान्यता है कि इनके दर्शन नहीं करोगे आप बालाजी के दर्शन के बाद तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो अभी हम इनके परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसके बाद हम समाधि जी के दर्शन करेंगे, समाधि बाबा के, ये समाधि वाले बाबा जी, अभी हम इनके दर्शन करेंगे। जय बाबा, श्री गणेशपुरी महाराज जी का जो मंदिर है इनकी यात्रा करनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग चलेंगे। ये थे यहाँ पर हमने दर्शन किए श्री गणेश महाराज जी के, जो बहुत ज़रूरी होते हैं, बारिश है, मौसम ख़राब है तो ज़्यादा वीडियो में नहीं बना पाए। नहीं, यहाँ से भी लाइन स्टार्ट होती है बालाजी महाराज की। तो बालाजी की ये है मार्केट, सामने आपको टेंपल दिख रहा है, ये टेंपल है। तो हेलो फ्रेंड,
तो यार ये वाली जो धर्मशाला है बहुत अच्छी धर्मशाला है, बहुत रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर रूम मिलते हैं और रूम भी बहुत क्लीन और साफ है। मैं आपको दिखाऊंगा बालाजी में, अगर आप आते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ आपको ठहरना चाहिए। बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ही है ये और बहुत ही अच्छी धर्मशाला है, देख सकते हैं इसका व्यू। ओम प्रकाश अग्रवाल सेवा सदन ये धर्मशाला का नाम है। अच्छी खासी पार्किंग का स्पेस है, एक छोटा सा टेंपल भी इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, आप देखिए। और 700 से 1000 रुपए के अंदर आपको रूम मिल जाता है, बहुत ही अच्छा रूम है, इनके क्लीन रूम है। मैंने यहाँ पे काफ़ी धर्मशालाएं देखी हैं लेकिन उसमें सबसे बेस्ट मुझे लगी, एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ से ऑटो आराम से मिल जाते हैं, एंट्री पॉइंट पे ही है, आप बालाजी महाराज में एंट्री करेंगे तो धर्मशाला आपको मिल जाएगी। फूड की व्यवस्था भी है, इनका अपना किचन भी है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी क्लीन सफाई है यहाँ पे। तो 700 से 1000 रुपये में रूम मिल जाता है।